हेलो, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हो दिस सिविल बॉय। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो कि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आइसोमेट्रिक का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जिसमें दो व्यू गिवन है और हमें आइसोमेट्रिक में उसको कन्वर्ट करना है। ये दिसंबर 2017 का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर है और इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ हमें फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, हमें इसे आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। तो पहले हमें आइसोमेट्रिक के लिए सेटिंग्स करना होगा। तो यह आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग ऑफ है, पहले इसे ऑन करेंगे। अब ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे स्ट्रेट ड्राइंग के लिए। कर्सर देख सकते हैं आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट हो गया है। अब डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो इसका फ्रंट व्यू का बेस यहाँ पे 70 है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू का 20 प्लस 40 इक्वल टू 60। तो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे 70 का, यहाँ 70 टाइप करेंगे और एंटर। अब 60 ये साइड। अब प्रॉब्लम पे देखेंगे। सो यहाँ पे 10 का हाइट है एंड फ्रंट व्यू में ये 10 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 90 है एंड यहाँ पे सेंटर से 45 माइनस 20 इक्वल टू 25 है। तो पहले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। तो पहले मैं सेंटर से 10 रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। अब यहाँ ट्रेस करके 20 पे टाइप करके एंटर करता हूँ और 25 का यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये एंड को ये एंड से ज्वाइन कर देंगे। अब वैसे ही दूसरे साइड को भी। अब ये साइड 60 का लाइन बनाएंगे और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब ये रेफरेंस लाइन को डिलीट कर देंगे। अब डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ 10 ऊपर लेना है। लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब 10 यहाँ पर प्लेन चेंज 60 ये साइड, फिर 10 नीचे लेंगे। अब डायग्राम में देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ये टोटल 90 है। तो अब सॉफ्टवेयर में मैं 90 का लाइन ड्रॉ करूंगा फिर नीचे से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ 40 का हाइट है और यहाँ फ्रंट व्यू में ये यहाँ पे ये स्लैंट में है 10 का। तो सॉफ्टवेयर में इसे इस तरह ड्रॉ करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना, इसे पहले यहाँ से 40 में प्रेस करके लेता हूँ फिर एंटर करके वहाँ से 20 का लाइन ड्रॉ करूँगा। अब ये 20 की लाइन के मिड पॉइंट्स के एंड मिड पॉइंट से हम एंड पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू में देखो यहाँ ये 20 का लाइन है तो यहाँ से 20 का लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके एंड को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे।
तो अब ये ऊपर वाले का पार्ट का लेंथ 70 है, तो 70 का लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पीछे ये 50, फिर 10, फिर ये एंड को इससे ज्वाइन कर देंगे। अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ हमने ये बना लिया, बस वो हाफ सर्कल कट करना है अभी। तो इसका रेडियस 25 है और साइड में, दोनों साइड में 10 का लाइन है। पहले 70 का लाइन डिलीट करता हूँ और दोनों साइड 10-10 का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब कट के लिए मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, तो यहाँ से पहले उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से एक नीचे की तरफ लाइन बना रहा हूँ, फिर इसको ट्रेस करके 25 पे यहाँ आएंगे और ये साइड एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इसके इंटरसेक्शन से ये साइड ड्रॉ कर लेंगे और वैसे ही अब इंटरसेक्शन का यूज करके ये साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। अब जो अनवांटेड लाइन है उसको ट्रिम कर लेंगे। अब इसके मिड पॉइंट से 25 नीचे, बिकॉज 25 का रेडियस है। यहाँ भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब आर्क ड्रॉ करेंगे, तो पहले आर्क में जाएंगे, तो 3-point आर्क सेलेक्ट करेंगे। अब इस तरह ड्रॉ कर लेंगे 3 point को ज्वाइन करके, ऐसे पीछे वाले को भी। अब इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और अनवांटेड लाइन को अब सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक बना लिया है। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ डायमेंशन दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।